मैं आपको भाई के नाते बता रहा हूँ, फैमिली में अगर किसी भी तरह का कोई भी विवाद चल रहा होता है और विवाद जब बढ़ गया तो उसके बाद ये बहुत ही किरकिरी होती है। ये जो लोग जो बीच में आए थे फैमिली के, समय जो है हर घाव को भर देता है, ये हमने देखा है। किसी भी फैमिली मेंबर में किसी भी तरह का कोई भी विवाद हो तो उसके बीच में हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी बज रहे हैं शाम के 7 और इस समय जो है मौसम में है जी थोड़ा सा ठंड। जी हाँ, बारिश हो रही है सुबह से और आज जो है सूर्य देवता जो है नजर भी नहीं आए हैं और इस वजह से जो है ठंड भी अच्छी खासी हो गई है। और फिलहाल जो है क्रियांश को कुछ देर पहले ही हमने भेजा है नीचे। क्रियांश के दादाजी आ गए, उनका नाश्ता पानी हो गया, सोचा कि पहले नाश्ता पानी करने दे देते हैं, फिर उसके बाद क्रियांश को जो है दादाजी के पास भेजा जाएगा। क्योंकि हुआ क्या कि दादाजी उसके जैसे ही आए, क्रियांश जो है अपने दादाजी के शरीर में लटक गया और कहने लगा कि बाहर घुमा। फिर उसके बाद जो है क्रियांश को लेकर के गए क्योंकि समझ गए कि जो है पापा को वो खाना पीना कुछ भी खाने वाने देगा नहीं। और फिलहाल आपको दिखाते हैं इधर जिया को। तो जिया अपना जो यहाँ पर सारा कपड़ा सब समेट रही है, ठंड का सारा कपड़ा समेट के रख रहे हैं। हाँ, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम सोचे आज समेटे लेकिन तो अब क्या करना है, फाइनली बस एक दो कपड़ा जो है ठंड का बाहर रख लेना है इमरजेंसी के लिए, वो भी इमरजेंसी के लिए बस एक दो रखूं। हाँ बस उसके बाद अब समेट करके रख दिया जाएगा और घर का जो है घर का जो स्पेस है थोड़ा सा खाली किया जाएगा क्योंकि पूरा घर भरा हुआ है, इधर लग रहा है कपड़ा इतना ज्यादा ठंड का हो जाता है ना, अच्छा खासा लग रहा है। और यहाँ का जो है बेड भी सोच रहे हैं चेंज कर दिया जाए, बाहर में एक बड़ा जैसा जो है चौकी रखा हुआ है और यह जो चौकी है थोड़ा सा पुराना हो गया, छोटा भी हो गया है। छोटा था लेकिन ये कहना था मेरा कि थोड़ा सा कमजोर हो गया है चौकी, तो ऐसा किया जाएगा। तो कल जो है किसी के साथ मिल करके जो है चौकी को कर देंगे। अच्छा, तुम कर देगी, होगा तुमसे उठाया हुआ। हाँ। बहुत बढ़िया, चलिए जी तो देखते हैं। ये जब रहता है ना तो एक भी काम नहीं करने देता और ये कितना क्यूट लग रहा है, ये देखिए। वाह, इसको कहीं लगाएंगे हम लोग, अभी समझ नहीं आ रहा इसको कहाँ लगाना है लेकिन लगाना है। ये देखिए सारा सामान मेरा फैला रहा है आपका बेटा, आप सामने देखते रहते लेकिन इसका... कुछ पोस्ट कर दीजिए उसके बाद इधर ध्यान भी नहीं दे रही है तो कैसे होगा, सारा सामान फैला देता है। और ये देखिए ये है क्रियाज का डायपर, एक बार में ही हम लोग मंगवा लेते हैं अच्छा खासा ताकि चलता रहे। ये पैम्पर्स का प्रीमियम केयर जो कि क्रियाज यूज करता है, यही वाला बचपन से यही यूज करा अभी तक क्योंकि बहुत अच्छा रहता है। हाँ क्रियाज, देखिए जब इसका काम, चलो दादी पास चलते हैं। नहीं इसको तो नीचे ले नहीं जाएंगे, बारिश हो रहा है या फिर कहेगा मुझे बाहर जाना है। वाह ये देखिए, थोड़ा और काम कर लो, उसको भी निकालेंगे, निकाल लो तुम, पूरा दम लगा के निकालता है। इस गुंडा बच्चे को कौन भगवान से मांग के लाए बताइए जी, कौन भगवान से मांग के लाए? नटखट से गोपाल को देख लो, नटखट से गोपाल को कौन सी भगवान से मांग के लाए आप? ये देखिए पता ही, नटखट गोपाल को कहाँ से मांग के लाए आप? इसको ऐसा जगह से मांग करके लाए जहाँ पर नटखट गोपाल जो है खुद पैदा लिए हम लोग वृंदावन से आए हैं। ये वृंदावन, चलो भाई चलो, बाकी भी आ रही है, चलिए चलिए बाकी भी आ रही। A few moments later. तो जिया नीचे यहाँ पर आई हुई है रोटी बनाने के लिए और क्रियांश जो है उधर तबाही मचा रहा है। तो क्रियांश की वजह से जो है इस गेट को हमने लगा दिया था कि वह बाहर नहीं जाए क्योंकि वह भी कुछ देर पहले बाहर गया और आपको बताते हैं क्या किया इसने। पहले खोल लो एक बार, इसने करा ये कि बाहर देख रहे हैं पानी कुछ कुछ जो है अंदर रिस करके आ रहा है, जैसे यहाँ सब देख रहे हैं यहाँ सब जो पानी है। तो क्रियांश यहाँ पर जा करके खेल रहा था, उसको जो सॉक्स पहना रखा था उसको भी भींगा लिया और साथ में जो अपना कपड़ा पहना रखा था ट्राउजर उसको भी भींगा लिया। तो क्रियांश आया फिर इस रूम में, इस रूम में भी जो है गेट सारा बंद ही है। क्या 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 कुर्सी पचा के पैर उठा करके उस टेबल पर रख उस पार में देता है, देखो। अच्छा फिर वही काम करेगा ये। चल गया अपना वहाँ पे, अब क्या करना है बताओ, इधर का सामान फेंकना है। अच्छा स्विच सब ऑन करना है इसको। टीवी चल गया, अब क्या दिक्कत है, फिर खोल देते हैं। चल क्या कर रहा है क्रियांश, उठो तुम यहाँ से, उठो नीचे लेट के मजा आ रहा है तुमको, क्रियांश देख रहा है कार्टून। इसका खाना पीना हो चुका और यहाँ पे पतिदेव का भी खाना लग चुका है। खाने में है दाल रोटी और सब्जी और खाने के टाइम भी ये मोबाइल चलाते रहते हैं जिसके लिए इनको माँ से बहुत बार डांट पड़ चुका है लेकिन फिर भी ये सुधरने का नाम नहीं लेते। कोई बात नहीं, ध्यान नहीं तो कल जरूर सुधर जाएंगे।
इतना सर्विस काम कर रहा है तू को बहुत सब्जी हमारे इतना हम तो नहीं खाएंगे बहुत ज्यादा है माँ कह रही है देख लो बाद मत करना सास कम दे रही है बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का क्योंकि इस सास पर ये बदनामी आज तक नहीं है सकता है भविष्य में नहीं होना चाहिए आप पे ये बदनामी नहीं कोई बदनामी नहीं है आप मोबाइल को रखिए कृपया करके और खाने को प्रस्थान करें कुछ अलग ही शुद्ध हिंदी बोले कोकिला मोदी एकदम शुद्ध हिंदी बोलती थी जाओ खड़ा खड़ी जाओ वन आवर लेटर तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 8:30 और इस समय जो है सूर्य देवता नजर आ गए हैं जो कि बहुत ही एक अच्छी खबर है क्योंकि रात भर क्या चल रहा था अभी आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर जितना सारा कपड़ा है सारे कपड़े को जो है रात भर यहाँ पर फैलाया गया पंखा ऑन करके जो है इन सभी को सुखाया गया तो कल पूरे दिन बारिश हुआ है तो अच्छा खासा बारिश हुआ है बिल्कुल और अब जो है लगता है गर्मी का आगमन शायद होगा बारिश के आने के बाद शायद उम्मीद ऐसा ही है बाकी यह ठंड जो है जाने का नाम अभी तक नहीं लिया है। A few moments later. तो चलते हैं धूप निकल चुकी है सारे कपड़े को फैला देते हैं सारे कपड़े हमने फैला दिए पूरा छत भर गया है ये देखिए पूरा छत हमारा भर गया चलते हैं नीचे एक रियांस का रबर है तो देख सकते हैं ये आ गया है नीचे से ऊपर कैसे दांत चिहार रहा है अब नल ऑन करेगा ये बोल दो कैमरे को बंद कर देगा नहीं होगा बंद अब बोलो मारेगा हमको कैसे मारता है मारेगा हमको कान बंद कर लेगा डांटेगी तो कान बंद कर लेगा वो चिल्लाती है हाँ क्या दिखा सकल दिखाऊंगा गुंडा सा सकल दिखाओ कान बंद कर लेगा डांट रहे हैं तो कान बंद कर रहा है डैडी को चिल्ला रहा है क्या जी बोलिए दादी क्या कर रही है क्या करनी है दादी तुम तो होली में कपड़ा बहुत ले लिया हम लोग बाबा उसको होली में बहुत कपड़ा मिला है दादी भी मिला दो बाबा तो होली में बहुत कपड़ा लिया बाबा के मम्मी को भी बहुत मिल गया बच के बीच में दादी मतलब दादी को दिला देते हैं ना दादी को भी दिला देंगे हम दोनों माँ बेटा बच गए देख लीजिए माए बाबा भी बचे हुए हैं सिर्फ चढ़ने की प्रक्रिया को जानता है कितना ऊंचाई तक हम जा सके यही सीख के आया ऊपर से नीचे में साइकिल है ना उसका दोनों पैडल जब दोनों पर पैर दे देता है बिना कोई सहारा खड़ा हो जाता है खड़ा हो जाता है हम लोग डरते हैं एक सवार बोले तुम वहाँ नहीं जाएगा फिर भी तुम्हारा है वहाँ काम हो रहा है इसलिए तुम नहीं जाएगा माँ बोल रही नहीं जाएगा उतरे जा रहा है उतरे जा रहा है पीछे साथ में बैठ थोड़ा करते हैं तो क्रियांश के खाने का समय हो गया है जी तो क्रियांश को कैसे खिलाते हैं हम लोग तो आज आपको दिखाते हैं तो इसके पैर पर जो एक लॉक लगा है मम्मा का और इस तरह से लॉक लगा है कि पैर दबे भी नहीं और दोनों हाथों को पकड़ा गया है ताकि पैर से मारे नहीं और खाना नहीं तो गिरा देता है बिल्कुल और पीछे जो है दो तकिया लगाया गया है ताकि इसका सर थोड़ा ऊंचा रहे और सामने टीवी लगा दिया गया है तो कुछ इस तरीके से इसका खाना पीना होता है एक हाथ से इसको ऐसे पकड़ते हैं देखिए तो क्रियांश तो फैनली सो गया जी और क्रियांश जब सो गया तो हम लोग यहाँ पर सो गए तो बिल्कुल और उठे हम लोग और उठ करके थोड़ा बहुत बातें कर रहे थे और हम लोगों के बीच में जो बात चल रही थी तो सोचा कि क्यों नहीं इस बात को जो है एक बार आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए जी सही में जी एक बात तो देखा है हमने जी कमेंट भी आ रहा था वैसे तो हम लोग सब कुछ सोशल मीडिया पे जल्दी शेयर नहीं करते हम लोग आपस में बात कर रहे थे तो हमने इनको बताया कि कमेंट ऐसा ऐसा आ रहा है क्योंकि ये उतना कमेंट वगैरह नहीं देखते हैं अपने काम में बिजी रहते हैं तो मैंने इनको बताया कि ऐसा कमेंट आ रहा है तो हाँ जी ये तो बात क्या है जी एक चीज हमने देखा है जब मैं आपको भाई के नाते बता रहा हूँ
जिनका बेटा लग रहा होगा बेटे की तरह समझ लीजिए, किसी लोगों का चाचा भी लग रहा हो, मौसा भी लग रहा हो, जो भी रिश्ता हो, आप लोग हमें अपने रिश्ते में क्या समझते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये चीज देखा है जी कि जब भी किसी भी फैमिली में अगर किसी भी तरह का कोई भी विवाद चल रहा हो और किसी भी तरह का मनमुटाव और किसी तरह का कुछ भी चल रहा हो, तो उसमें हम एज ए थर्ड पर्सन होने के नाते हमें तो ऐसा करना चाहिए कि दो फैमिली को जोड़ने की ज्यादा से ज्यादा बातें करनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि बात नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि देखा है जी कुछ चीजों के लिए अच्छा होता है कि उसको नहीं छुआ जाए, नहीं टच किया जाए, ज्यादा ही अच्छा रहता है। तो जब ज्यादा कोई बिल्कुल बड़ा माहौल हो, तो होता क्या है जी फैमिली मेंबर है वहां पर जाकर के हम किसी एक साइड में जाकर के कुछ जो है अपना सुझाव दे दिए या कुछ जो है मध्यस्थता किए बीच में, तो उससे होता क्या है कि कई बार विवाद तो खत्म भी हो जाता है उस वजह से, और कई बार जो है क्या होता है कि विवाद बढ़ भी जाता है, और विवाद जब बढ़ गया तो उसके बाद जी बहुत ही किरकिरी होती है उस लोगों की, जो लोग जो बीच में आए थे फैमिली के बीच में। होता क्या है जी कि जो भी आपस के खून का रिश्ता है तो खून का रिश्ता जो कभी मिटने नहीं वाला है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले कि हमारा रिश्ता खत्म हो जाए, खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता है। एक समय आता है कि सब ठीक हो जाता है, सभी कुछ ठीक हो जाता है, समय जो है हर घाव को भर देता है, ये हमने देखा है। तो सभी लोग जो है एकजुट फिर होंगे ही, एक साथ बैठेंगे ही, एक साथ चाय पियेंगे, एक साथ खाना खाएंगे, सब कुछ होगा ही, लेकिन जो बीच में पड़ा इन सब चीजों के बीच में उसकी बहुत किरकिरी हो जाती है जी। सही बात कह रहा हूँ जी, और आप में से बहुत लोग हमसे छोटे होंगे तो उन छोटों को भी कहना चाहूंगा कि आप भी थोड़ा, मतलब हम लोगों को जिंदगी का जो भी अनुभव है तो अपने अनुभव के अनुसार बोल रहे हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग है वो भी शायद आप लोगों को बताते ही होंगे अपने अनुभव के अनुसार कि कभी भी किसी भी फैमिली मेंबर में किसी भी तरह का कोई भी विवाद हो तो उसके बीच में हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग समझ लिए कि हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं फिलहाल, रीजन यही है कि वो उनका खुद का मैटर है, वो खुद सॉल्व कर लेंगे समय आएगा तो। बिल्कुल, और समय आएगा तो उम्मीद करते हैं सब लोग फिर से साथ दिखेंगे और सारा मनमुटाव भगवान से दुआ करते हैं कि सब कुछ दूर हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। तो इसी बात के साथ जी इस वीडियो को आप यहीं पर रोकना चाहेंगे, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारा कोई वीडियो है सबसे पहले आप। हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें, शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।